हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यूपी आयुष काउंसलिंग की बात कर रहे थे, एमपी आयुष काउंसलिंग की बात कर रहे थे, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से क्वेरीज आ रही है, सर किस स्टेट में एडमिशन लें, महाराष्ट्र से क्वेरी आ रही थी। तो आयुष वालों को ये लगा कि पहले मैं आयुष पे वीडियोज बहुत ज़्यादा बनाता था, उनको ये लग रहा है कि भाई इस बार हमको लग रहा है कि वीडियोज नहीं आएंगी। तो ऐसा यार बिल्कुल भी नहीं है, वीडियोज कॉन्टेंट आपको प्रॉपर मिलेगा। रिसेंट में भी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, तो यार सबसे आगे अभी एमबीबीएस वाले निकल गए परसेंटेज वाइज, तो बीएमएस की भी वीडियो आएंगी, सबसे ज्यादा एमबीबीएस की आएंगी, बिकॉज एमबीबीएस की काउंसलिंग अभी नियर अबाउट है। हाँ, आयुष की काउंसलिंग होगी, और जब तक ऑल इंडिया कोटा, मतलब जो एमबीबीएस और बीडीएस की है, जब उसकी राउंड वन की जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगी, इट्स मीन कि मैं मान के चलता हूँ कि इस मंथ के लास्ट तक एमबीबीएस बीडीएस का शेड्यूल आउट हो सकता है, पहली चीज ये है ना। दूसरा, ये थोड़ा सा डिले हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, उसके बाद में आपका ऑलमोस्ट लेके चलो कि एंड ऑफ अक्टूबर आपका डबल ए ट्रिपल सी का शेड्यूल आ जाएगा 20 अक्टूबर के बाद में, है ना, अप्रोक्स में आइडिया। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट वगैरह क्या है, एट ऑल सारी चीज। तो यार ओवरऑल कहने का लॉजिक ये कि बीएमएस वाले, बीएचएमएस वाले, बीयूएमएस वाले इधर उधर कहीं पे भी जाने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी काउंसलिंग, सारी अपडेट, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। यार सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब टारगेट 1,00,000 का। तो जो फर्स्ट टाइम आए हो तो वो सब्सक्राइब कर दें। तो बेसिकली जो आयुष की काउंसलिंग है यार, वो दो मोड में होती है, इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोज बना चुके हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। डबल ट्रिपल सी, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग होती है, ठीक है, 15% है, और बाकी सारे स्टेट 85% की काउंसलिंग अपने सारे स्टेट्स कराते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे स्टेट्स के नाम लिखे हैं जो कि रिनाउंड हैं, काफ़ी डिमांडिंग हैं। यूपी वालों के लिए एक अलग से वीडियो आएगी, परेशान मत हो, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिल जाएगी, विद इन अ वीक मिल जाएगी, ये भी प्रॉमिस कर देता हूँ। पहला तो यार देखो, जो लोग यूपी की बात करें तो यूपी में ना कौन से स्टेट किन चीज़ों के लिए पॉपुलर रहता है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या मतलब पॉइंट्स हैं, यूपी में क्या है कि लो स्कोरिंग पे कॉलेज मिल जाता है, मतलब जस्ट क्वालिफाइड भी हो गए तब भी अगर अच्छे से काउंसलिंग करी गई, लास्ट तक किया गया, तो मतलब मिल जाता है, जैसे तैसे मिलेगा, थोड़े चक्कर लगाने पड़ेंगे लेकिन मिल जाएगा, बिकॉज कॉलेज ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा कॉलेज यूपी में है ना, उत्तराखंड में है ना। तो सिंपली क्या है कि आपको अगर नहीं मिल रहा कॉलेज, जैसे महाराष्ट्र में वाले को दिक्कत आएगी तो वो यूपी मूव कर सकता है, और जैसे हरियाणा वालों के लिए फीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती तो वो यूपी मूव कर सकता है, राजस्थान में हाई कट ऑफ जाती तो वो यूपी मूव कर सकता है, तो काफ़ी सारे, मतलब यूपी क्या, उत्तराखंड भी मूव कर सकता है, उत्तराखंड इज़ वेल नोन फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई अढ़ाई होती है, कुछ कॉलेजों को छोड़ के इन सब पे भी हम टॉप वाइज, मतलब टॉप कॉलेज लिस्ट वाइज वीडियोस बनाएंगे स्टेट वाइज, तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं। दूसरा, जो उत्तराखंड है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाना जाता है, राजस्थान में क्या है कि कट ऑफ काफ़ी हाई आती है, लगभग 300 नंबर के ऊपर ही प्राइवेट कॉलेज मिल पाता है, उसके बाद वालों को नहीं मिल पाता है, या तो वो फिर अपनी NRI सीट पर जाके एडमिशन ले तब मिलेगा। एमपी में क्या है कि मतलब नॉर्मल है, मतलब ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाता है जो अपना दिल्ली NCR रीजन में आना चाहते हैं तो वो अपने आ सकते हैं यूपी आयुष की काउंसलिंग के थ्रू। हरियाणा काउंसलिंग में श्री धनवंतरी चंडीगढ़ का जिक्र बहुत बार किया जाता है, श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया जाता है, वही काउंसलिंग कंडक्टिंग कमेटी है, उसी के बेसिस पे पूरा प्रोसेस होता है। महाराष्ट्र के लिए मैं बोलूँगा यार कि बहुत स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से ऐसे होंगे जो यहाँ पे जाना चाहते होंगे, तो अगर आपकी 300 से अबव मार्क्स है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, 300 से नीचे वालों को नहीं मिलता है, सेम कंडीशन स्टेट वालों के लिए भी है। दूसरा पॉइंट कर्नाटक, या कर्नाटक इज़ वेल नोन फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो आप इसकी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन स्कोरिंग आपकी वही 400 अबव होनी चाहिए, तब तो आपको यहाँ पे अच्छा कोई कॉलेज मिलेगा रेनाउंड वाला, अदरवाइज तो फिर जैसे तैसे वाला मिलेगा। पंजाब के लिए अगर हम बात करें तो मतलब कम स्कोरिंग होगी तब भी मिल जाता है, गुरु रविदास यूनिवर्सिटी है, वो काउंसलिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाती है। बिहार में लेस नंबर ऑफ प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज, आई थिंक एक या दो कॉलेज हैं, तो बहुत मुश्किल रहती है यहाँ पर। फिर उसके छत्तीसगढ़ इज़ नोन फॉर लेस फी स्ट्रक्चर, है ना, कम फी स्ट्रक्चर के लिए MBBS में भी पॉपुलर है और आयुष में भी है, और बिकॉज यहाँ की सबसे कम फीस रहती है, आई थिंक 1,20,000 या कुछ 50,000 के अप्रॉक्स रहती है, इतनी कम फीस कहीं पर भी नहीं है, मिनिमम जितने भी सारे स्टेट से लगभग सब जगह 2,00,000 रुपये की फीस से स्टार्टिंग है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और अगर आपको इसी तरह से और भी आयुष के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बाय बाय। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो एक फ्री गाइडेंस फॉर्म रखा है, उसको फिल कर देना, अदरवाइज कमेंट करके बताओ।